हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है हमारे वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि जो आजकल जो YouTube चैनल है, YouTube चैनल क्या करते हैं कि फर्जीवाड़ा बहुत कर रहे हैं। ठीक है, इन्हीं फर्जीवाड़ा के चक्कर में कम से कम 22 चैनल जो हैं वो गवर्नमेंट ने बंद किए हैं। ठीक है, IT रूल के तहत 2021 में जो स्टार्ट हुआ था उसके तहत बहुत सख्त कार्रवाई करते हुए इन 22 चैनल को बंद किया गया है, जिसमें 4 चैनल पाकिस्तान के भी हैं, 18 चैनल जो इंडिया के हैं। और उन 18 चैनल में ट्विटर अकाउंट भी है, फेसबुक अकाउंट भी है, ठीक है, और यूट्यूब चैनल भी है। देखिए, बार बार यही बोलना पड़ता है कि भाई ऐसा काम मत करो कि आपको नुकसान उठाना पड़ जाए। ठीक है, अच्छा खासा चैनल चल रहा होगा, लेकिन नहीं भैया, हमें तो फेमस होना है, तो भैया फेमस हो तो ले लो, फेमस हो जाओ भाई सब लोग। तो यही कारण है ना कि कितना भी कोई किसी को बोले लेकिन समझ नहीं आता। अब YouTube जो चैनल बंद हुए हैं उनका रीजन क्या है, उसके बारे में मैं बात करने वाला। रीजन ये है कि आप गवर्नमेंट का जो बेसिकली क्या है ना, जो आजकल कश्मीर का मुद्दा लेके चल रहा है, उससे रिलेटेड आप अफवाह फैलाओगे या गलत न्यूज दोगे, मतलब कुछ ऐसा कंटेंट दो जिससे लोगों को अच्छा लगे। आप वैसा दे रहे हो कि जो मतलब एक भड़काऊ भाषण की तरह हो जाता, मतलब जनता भड़के, या फिर कोई ऐसा आप बोल रहे हो जिसकी वजह से परेशानी हो गवर्नमेंट के लिए। तो और बहुत सारे ऐसे जो चैनल जो ब्लॉक हुए हैं, जो बैन किए गए हैं, उनके साथ भी यही दिक्कत। तो हाँ, बात करते थे कि जो ये चैनल्स बंद हुए, इन चैनल्स में बेसिकली क्या हुआ ना कि जैसे सोशल मीडिया की बात करें, सोशल मीडिया पे आजकल आपको 80% जो मिलता है फर्जीवाड़ा मिलता है। बहुत कम ही लोग जो है मतलब ऐसा करते हैं हर एक चीज, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि कोई समझता नहीं है, बस उसको बस फॉरवर्ड किया जाए या फिर उसको पोस्ट किया जाए, उस पोस्ट का कोई समझने वाला नहीं है। इस वजह से, क्योंकि अब जब से आईटी रूल स्टार्ट हुआ, आईटी रूल को लागू किया है गवर्नमेंट, बहुत ज्यादा सख्त है कि अगर आपने फर्जीवाड़ा किया तो अभी तो ब्लॉक ही हुआ है, हो सकता है आपको जेल भी जाना पड़े। ठीक है, हो सकता नहीं, जाना भी पड़ सकता है, उसमें कोई बड़ी भारी बात नहीं है, क्योंकि आप भाई गवर्नमेंट से खिलवाड़ कर रहे हो, अपने देश से खिलवाड़ कर रहे हो। ठीक है, और रही बात जो अभी मैं लिस्ट दे दूंगा साइड में कि कौन चैनल ब्लॉक हुए हैं, न्यूज ज्यादातर न्यूज से रिलेटेड चैनल है, क्योंकि न्यूज से रिलेटेड क्या बोलते हैं कि ऐसा ऐसा थंबनेल लगा के रखा है जिसमें कि मतलब अंदर कुछ और है, थंबनेल में कुछ और है, बोल कुछ और रहे हैं, तो भैया गलत इफेक्ट तो जाएगा ना। तो गवर्नमेंट जब ऐसा कुछ देखती है, क्योंकि वो ऑडिट होते रहते हैं, आपके चैनल हरदम मॉनिटर होते रहते हैं, ऐसा नहीं समझिए कि मैं कुछ भी डाल दूंगा हो गया काम भैया। हाँ, ऐसा नहीं कि वो चैनल्स पे व्यू अच्छे थे, 260 करोड़ के आसपास जितने चैनल ब्लॉक हुए हैं उनकी पूरी वैल्यू निकाली जाए, 260 करोड़ के आसपास व्यूज थे उसपे। ठीक है, जितने भी चैनल ब्लॉक हुए, अब बात करते हैं जो पाकिस्तान के जो चैनल ब्लॉक, उनका रीजन ये था, उनके साथ ये था कि वो कई ऐसे एंकर्स की फोटो लगा के अपने चैनल्स पे, इंडिया के एंकर्स की फोटो लगा के अपने चैनल्स पे इंडिया के खिलाफ ऐसा उल्टा सीधा मतलब भड़काऊ भाषण दे के या ऐसी न्यूज दे के मतलब लोगों को भड़काने का काम कर रहे थे। तो इन सब में ये भी पाया गया कि ये सब मतलब ये चैनल जो है ना इंडिया के खिलाफ ज्यादा यूज कर रहे हैं, यूक्रेन और उसका भी हो रहा है, रसिया का, उसमें भी मतलब सही न्यूज है तो बताओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप क्या कर रहे हो कि उल्टा पुल्टा न्यूज दे रहे हो। भैया उल्टा पुल्टा न्यूज दोगे तो आज की डेट में हमारे मोदी साहब बहुत सख्त हैं। ठीक है, तो वो छोड़ने वाले ने, और आईटी सेक्टर अभी बहुत ज्यादा आगे आ गया। ठीक है, तो वो अब डे बाय डे मॉनिटर होता है, और अगर कोई दिक्कत होती तो यहाँ तक फेसबुक को भी लेटर जा सकता है कि आपने क्यों नहीं ऑडिट किया, क्योंकि गवर्नमेंट के अंडर में ही सारी चीजें आती हैं, वो अब मॉनिटर होता है, अब कमेटी बना दी गई। ठीक है, तो ऐसा कभी मत सोचना कि भैया नहीं मैं कुछ भी कर दूंगा तो हो जाऊंगा, नहीं, जैसे आपका नॉर्मल ये लाइफ है वैसे सोशल मीडिया भी है, उस पर भी आप मॉनिटर किए जाते हो। ये मत सोचना कि नहीं फेसबुक पे मैं कुछ भी कर दूंगा, किसी को कुछ भी कर दूंगा, ऐसा नहीं है, रिपोर्ट का सिस्टम उसमें भी होता है, रिपोर्ट उसमें भी कर सकते हैं। ठीक है, रिपोर्ट करते भी हैं लोग, अगर रिपोर्ट करते हैं तो आपका आपके खिलाफ एक्शन किया जा सकता है, सोशल मीडिया का जो भी रूल होगा उसके खिलाफ जो भी आपकी धाराएं होंगी वो लग सकती हैं, और आपके साथ जुर्माना भी हो सकता है। तो भैया आई रिक्वेस्ट, हम सभी लोगों से रिक्वेस्ट यही करते हैं कि ऐसा कभी कुछ मत करना, क्योंकि 22 चैनल तो डिलीट हुए हुए हैं, बैन हुए हुए हैं, 2021 में करीब 58 या 78 चैनल बंद किए गए थे। तो ऐसे ऑडिट होता रहता है, भैया आपने गलत किया तो अब खत्म, आपका कुछ नहीं होने वाला।
तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन थी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर किया था। अगर कोई भी ऐसा है बना रहा है तो भैया रिक्वेस्ट है ऐसा मत करो, क्योंकि आप चैनल बनाते हो, मेहनत करते हो, ठीक है, मेहनत करते हो तो आपके व्यूज आते हैं। तो ऐसा ना हो कि आपने मेहनत की उसके बाद उन्हें गलत कंटेंट डाल दिया, फिर आपका पूरी मेहनत बर्बाद हो गई, क्योंकि उसको एक सेकंड नहीं लगेगा, गवर्नमेंट के अंडर में सब कुछ है। तो जेन्युइन चीज डालो जो कि लोगों को अच्छा लगे, जो कि मतलब कंट्री के हित में हो, वो चीजें डालो, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, तो आप लोगों को मैंने बताया, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को पता चला कि किस तरीके से क्या ये चैनल, कैसे चैनल्स थे और कौन कौन से वेबसाइट्स थी, ठीक है, वेबसाइट्स भी तो जो ब्लॉक हुई है। आई होप हमारा वीडियो आज का आप लोगों को पसंद आएगा, ठीक है, क्योंकि सबके लिए मैंने बनाया है, किसी पर्टिकुलर के ऊपर नहीं बनाया है, ठीक है। तो अभी अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक मारना, अगर हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब मारो, हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलना, इससे क्या होता है अगर हम कोई नया वीडियो डालते हैं तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में।